ऑप्शन है या नहीं यहाँ से जो लोकल रास्ता है, मतलब वापसी थोड़ी ना जाएंगे यहाँ से, पूछो ये रास्ता जा रहा है। ये वाला रास्ता नहीं निकल जाएगा घूम के दिल्ली के लिए, दिल्ली दिल्ली पता नहीं बोल रहे किसान बैठे हुए हैं, वही तो बोल रहा हूँ मोहित। बंदे बोल तो रहे कि निकल जाएगा बाइक बाइक, यार तू नहीं निकल देगा गंदे फंसे भाई, अभी कहाँ के कहाँ होते। चलो किसान आंदोलन फियास्टक। हाँ चलो चलो कोई और ऑप्शन, चलो और क्या, ठीक है। क्योंकि गाइस जो रोड जाम किया भाई, दिस इज़ द मेन चंडीगढ़ हाईवे एंड कनेक्ट चंडीगढ़ ही करती है, फिर वहाँ से दिल्ली तो गाइस इजी है, मतलब मान लो मेन रोड था भाई। चलो भाई ये भी कुछ अलग ही है, अब बाकी गाइस 4 बजने वाले हैं और 600 किलोमीटर हुआ अपना। मेन हाईवे छोड़ के आ चुके कच्चे रास्तों में, लेकिन रोड ये भी ठीक है भाई। पूछते पूछते आ रहे सारे, एक कार वाले हो हम भी हो, HR नंबर भी है साथ में, पीछे DL नंबर कार भी चल रही है, क्योंकि हमें भी नहीं पता हम कहाँ से आ रहे हैं, है जंगल ही है। बट यस रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाएगा घूम के, लेट्स सी गाइस कब मिलते हैं भाई मेन हाईवे पे। यहाँ की स्प्लेंडर गाइस कमाल, ये लो स्प्लेंडर ही है, ऐसा किसी गांव में बारात वरात नहीं आती, वैसा लग रहा भाई लाइन से कारें चल रही है। और लोगों का इस रिएक्शन में तगड़ा मिला, क्यों, क्योंकि हर रोज़ तो यहाँ से आती नहीं होगी गाड़ियाँ, सब मेन हाईवे से आती है। बट भाई आज किसान आंदोलन ना, तो सारे लोग भाई लोकल्स उसमें घुस गए रोड्स में, इसलिए सभी लोगों का रिएक्शन तगड़ा आ रहा है कि जा कहाँ रही इतनी गाड़ियाँ और आ कैसे गई इस रोड पर इतनी सारी गाड़ियाँ। ये देखो सही है भाई, ऐसा भी कभी कभी होना चाहिए, इसी बहाने रोड ही बिजी हो जाएगा। मे बी गाइस अब कोई मिलेगा हाईवे या नहीं, कब आएगा रोड देख लो लोकेशन देखते रुक जाओ। बट सारी गाड़ी वैसे यहीं जा रही है, यहीं जाना हुआ अच्छा। चंडीगढ़ कितना दूर है, अच्छा चंडीगढ़ जाएगी चंडीगढ़ रोड, अच्छा चंडीगढ़ वाला, अच्छा बता रहे किसान उस साइड बैठे है, ये रोड खुला हुआ है। ओ तेरी हरियाणा रोडवेज की बस दिखी भाई, एरोप्लेन जा रही, ये भी अच्छा आर नंबर। अभी भाई दिल्ली 300 किलोमीटर लगभग दूर है भाई, लोग कच्चे रास्ते का स्वाद, धूल फाँकते हुए जा रहे हैं भाई, धूल फाँकते हुए, ये गड्ढे मिट्टी है धूल सब मिल रहा है, और सारे लोग तो ऐसे आ रहे बारात पहुँचने वाले बस भाई पता नहीं कितना दूर और चंडीगढ़। बट स्पीड तो भाई बहुत स्लो हो गया, वाह छोटा मोटा रिवर फ्लो कर रहा है धूल मिट्टी सब हो गया। ये देखो कैसे जा रही बारात लाइन से, हाँ सिंगल रोड, ऊपर से रोड उतना सही नहीं है। नाउ गाइस मिट नाउ
टाइम भाई हो रहा है 4:10, शाम भी होने वाला भाई। अभी तो 300 किलोमीटर लगभग या उससे आधे बच रहा दिल्ली, हालत खराब हो जाएगा भाई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। स्टे, अच्छा स्टे फ्रॉम एनिमल्स, जंगली जानवर निकले हैं क्या यहाँ पे? ये देखो धूल मिट्टी का गुबार ऐसी है कहीं कहीं पे। एक वो वाला रास्ता नहीं है इस पहाड़ों वाला जो होता है ना लीन वाला, वो नहीं है, वो होता तो कब का निकल गया होता मैं, और गाड़ी भी इतनी जाम नहीं हो रही थी। अपने कौन सा रास्ता है जाम जाते यार, इतना दूर आए भाई मेहनत करके, लग रहा फिर यहाँ भी रोक रखा है तेरी तो। अरे इतनी दूर आए मेहनत कर रहे हैं यहाँ भी तो नहीं रोक रखे, क्योंकि भाई जिन्होंने रास्ता जाम किया उनको भी इतना नॉलेज हुआ कि लोग यहाँ से ना जाके यहाँ से जा सकते हैं, तो मैं भी रोक दिया हूँ भाई। लेकिन एक घंटे की मेहनत है भाई, जाने दो। नॉर्मल जाम लेकर ठीक रहेगा भाई, अब हिम्मत नहीं हो वापिस जाने का। हमें पेट्रोल भी गाइस ख़त्म होने वाला है, आज दिल्ली पहुँच गए भाई, भूल जाओ आप लोग नहीं पहुँचने वाले भाई। किलो किलोमीटर दूर तक बंदे कार से निकल के खड़े हैं, फंस गए आधे घंटे से खड़े अंकल। भाई ऑफ रोडिंग को भी पैच ढूंढो चढ़ा देंगे। स्कैम हो गया गाइस, ए लो इसको बोलते हैं मुसीबत में आटा गीला, नहीं गरीबी में, रिजर्व भी इसको अभी लगना था भाई, पता चला पेट्रोल में अपना भी। लेकिन हाँ 50-60 का तो रेंज है। यही गाइस जाम का रीज़न है, देखो सिंगल पुल है और यहाँ से एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाएगी, डेट्स वाई भाई पूरा जाम मचा हुआ है। गए अपने एक घंटे तो गए भाई यहाँ पे, यहीं से आएंगे ना। पांच बजने वाले भाई, चंडीगढ़ कहाँ है नामो निशान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। सही जा भी रहे नहीं है, रास्ता सही है भाई से पूछो। जाम से निकल गए मेन हाईवे पर आ चुका है, यहाँ से दिल्ली बच रहा होगा 300+। उससे पहले रिजर्व में जस्ट अभी लगा, एक बार फिर से फुल टैंक कराते हैं, और ये मे भी चौथा अपना फिलअप होगा। लंच का तो भूल ही जाओ भाई, लंच वंच कुछ नहीं हुआ अपना, वो जो खाया था हमने भाई जो रात को खाया उसके बाद वो खाया था छोले कुलचा टाइप का पंजाब में, पेप्सी भी उसके बाद से कुछ खाया ही नहीं, जाम में ही फंस गए क्या ही खाए। और वो देखो भाई सनसेट भी हो रहा है, भगाने में मज़ा आ रहा है। सामने एक पार्टी चल रही है स्प्लेंडर भाई साहब, 90+ चल रही है उसकी, मज़ा आ रहा है। मतलब 15-20 किलोमीटर से पीछे भी चल रहा हूँ मैं अभी, देखो 89 चल रही है ना, मत चला रहे भाई बिल्कुल, अभी से लोग अंदर कुछ कर रहे हैं फिर आएंगे, देखो खतरनाक ड्राइविंग है इनकी, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है इनके पीछे पीछे रखने का भाई। और यहाँ से गए चंडीगढ़ है क्या 25 किलोमीटर के अराउंड, देखो भाई अभी तो 6 बजने वाले हैं, चंडीगढ़ ये पहुँचे अम्बाला 65, एरा चंडीगढ़ 26, खारार 12 किलोमीटर। ये गाइस फुल टैंक करा रहे हैं, फुल थ्रॉटल चला रहे हैं, फुल टैंक करा रहे हैं, फुल थ्रॉटल चला रहे हैं, प्लेन रोड पर और क्या ही करे भाई। लेकिन हाँ ये राइड भी कुछ अलग थी भाई, थी नहीं मतलब राइड तो चल ही रही अभी भाई 300 किलोमीटर के आसपास दिल्ली है, रात ही पहुँचेंगे 11-12 या उससे भी लेट हो जाए मे भी।
देखो भाई कितना टाइम लगता है। बट और एक चीज़ का और फ़ायदा होगा इस, रात में ना गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, दिन के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। देखेंगे बाकी भाई जो भी होगा, रात का भी दिखाऊंगा। चलो गाइस भाई रुके हैं बहुत देर बाद, ये मान लो भाई 12 घंटा हो गया, एंड अब जाके लिया भाई एक खाने का ब्रेक। सो बोलिए भाई लंच डिनर सब कुछ अपना एक ही है। तो रुके पड़े भाई कुरुक्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर का, कुरुक्षेत्र से गाइस लगभग 10 किलोमीटर पहले ब्रेक लिया, और यहाँ पे भाई करते गाइस डिनर करते हैं, वरना भाई चला चला के ना हालत ख़राब है, और गाड़ियों को भी आराम मिलेगा। पनीर पराठा मंगा लिया पूरे आधा आधा भाई खाएंगे, और यहाँ पे सैंडविच है अपना, समोसा है, चाय है, यही सब खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुका है। तो हो गया गाइस अपना डिनर, अब निकल ले यहाँ से भाई सीधा दिल्ली के लिए। ये मान लो आखिरी स्टॉप, तो यहाँ से लगभग अपना बच रहा होगा 160 या 170 किलोमीटर एग्जैक्ट जो बात करें, 150+ किलोमीटर, देखते भाई कितना टाइम लगता। और टाइम गाइस हो चुका है आपका 10 बज गए भाई, रात के 10:02, और गाड़ी चली गाइस 778 किलोमीटर। 3 इंडिकेटर है फ्यूल के, लेकिन फ्यूल अप करवाना पड़ेगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि 150-200 किलोमीटर इतने में नहीं चलेगा। तो लेट्स गो। और गाड़ी गाइस काफ़ी ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही थी, बट नॉर्मल हीट थी, वो भी ठंडा हो गया बिल्कुल। नना करते भाई 40-50 मिनट का ब्रेक दिया हमने यहाँ पे, और जहाँ पे रुके पड़े थे गाइस ये है उड़ान ढाबा, बहुत ही बढ़िया था खाना वाना। चले फ़ोन ऑन ले लिए, चलो लेट्स गो, हर हर महादेव। क्या चीज़ आगे चलो जल है, चलो गाइस हर हर महादेव फिर से निकलते भाई। अब गाइस खींचना है 150-200 किलोमीटर, बस ये भाई फुल चार्ज तो हो चुके हैं, खाना वाना खा लिया, मज़ा आ गया। अब कहाँ चढ़ा दिए। बिल्कुल लाइट थी, चलो लेट्स गो। ढाबा वाकई में बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। और 10 बजे गाइस बज रहे रात के, और रात के बज रहे भाई 10, और निकल चुके हैं वापस से गाइस। मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया क्योंकि भाई गोप्रो शॉर्ट था और चार्ज लगाने लगा। इस बताओ कितना बैटरी है, 96% भाई, फुल व्लॉगिंग होगी अब। नाइट में राइड कर रहे गाइस कंटिन्यूसली भाई, अपना ये जर्नी 1000 किलोमीटर का लगभग होने वाला हिमाचल वाला, मज़े ही मज़े आ रहे भाई। अब लग रहा है गाइस थोड़ा मोटा सा पहन रखा है, फिर भी भाई ठंड का एहसास हो रहा है। स्पीड भाई वही रखेंगे अपना, डिवाइडर देखो यहाँ पे डाइवर्जन होता ना ऐसा लगा रखा है। तो चंडीगढ़ पहुँचने से पहले जो किसान आंदोलन था भाई, उसमें क्या गाइस अपना 2 घंटा पूरा पूरा ट्रैफिक में आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद भाई चंडीगढ़ में क्या ही जाम मिला, प्लस थोड़ा सा मोहित भाई इधर उधर हो गए थे, तो वहाँ पे 1 घंटा अपना गया। इस तरीके से गाइस 3-4 घंटा अपना ख़राब हुआ, वरना हम लेट से लेट भाई 11-12 बजे तक दिल्ली में आराम से होते हैं। अभी नहीं पता हम कब तक पहुँचेंगे, 10 बज गए अब तो भाई, लेट होगा वैसे 3 घंटा और मान लो, 10, 11, 12, 1 वही 1-2 बजे तक गाइस पहुँचेंगे रात को। बाकी रात को गाइस गाड़ी आराम से चलाएंगे, आराम से मतलब देख दाख के ही चलाएंगे यार, 80 ट्राई करेंगे, 80-70 तो नहीं गाइस, 80-85 खींचते हम। चलो दिल्ली 167 किलोमीटर गाइस रह चुका, तो वही है 150+ है 167। तो गाइस अपने को लगेगा मेरे हिसाब से 80 की स्पीड में मेंटेन करें ना, 8-8-16 वही है, 2 घंटे से तो प्लस ही लगने वाला है, 3 घंटे में गाइस लगा देंगे दिल्ली कंफर्म है। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे भाई 1 बजे के अराउंड दिल्ली में। ट्रक चल रहे भाई साहब, डाइवर्जन 1 किलोमीटर आ गया,
ये निकले अपने मोहित भाई, तो हम भी निकलते हैं। कभी भाई लोग ऐसा पैच आता जहाँ पे तीन चार ट्रक एक साथ चलती है ना, वहाँ का इसका भी कभी साइड नहीं मिलता, इसका भी मज़ा अलग ही है। और कुछ कुछ टाइम तो भाई ट्रके वाले बात करने लगे, तीन तीन ट्रक आ रहा आपस में, वहाँ तो भाई साइड बिल्कुल नहीं मिलता, बट मिल गया। ये ट्रके कम रुकती है, बड़े वाले ट्रक ना भाई ज़्यादा स्पेस लेती है, उस टाइप का आगे चल रहा है। और अभी चल रहे भाई हरियाणा में, और गाइस सर्दी तो वैसे आने वाली है, अक्टूबर भी ख़त्म होने वाला, और हल्का हल्का फॉग मेरे को दिख रहा है, हल्का हल्का, अभी तो भाई फुल फॉग मिलता है आपको, मे बी नवंबर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ नवंबर दिसंबर का फॉग ही फॉग। गाइस पानीपत 64, दिल्ली 154, सोनीपत 109, भाई फुल खेच रहे गाइस, जैसे जैसे गाड़ी चल रही है भाई किलोमीटर्स घटते जा रहे हैं, हमारी स्पीड बढ़ते जा रही है। टायर देखो ट्रक का भाई, रॉकेट है गाइस, जैंटोक नहीं है भाई, जिनके पास गाइस जैंटोक ना प्राउडली बोला करो भाई, ऐसी गाड़ी है ना अच्छे अच्छे गाड़ियों की गाइस फाड़ के रख देती है, बाइक को भी भाई पीछे कुछ भी नहीं है भाई, से सामने कंटिन्यूसली भाई, अभी आते वक्त मैंने चलाया और ज़्यादा वो चला रहे भाई 90-90 की स्पीड में, 85 की स्पीड में, 150-150 किलोमीटर लगातार चलती है ऐसी गाड़ी है। इंजन पर गाइस इतना सा ही फर्क नहीं पड़ता, सोचो 150 किलोमीटर लगातार चलना बस की नहीं हाई स्पीड में किसी और गाड़ी के लिए। आज जब भी बोलते हैं गाइस जैंटो की कह रहे भाई मोहित भाई, तो भाई बोलने मान गए भाई इसको, और जो भाई लोग गाइस मुझे देखे उनको तो पता ही होगा किस तरीके से भाई ले जा रहे हैं, और किस तरीके से गाइस हम अपना दिल्ली से हिमाचल में एंटर किए थे भाई, टावर तोड़ भाई। देखो फॉग दिख रहा है हल्का, सुहाना मौसम है गाइस, फॉग भी लग रहा है हल्का हल्का और धुआं टाइप भी लग रहा है। देखो दो ट्रक सामने चिपक के चल रहा है बिल्कुल बढ़िया, अबे काफ़ी दूर तक कभी कभी चलते रहते हैं। पाजी रात विच अंधेरा नू एक टोल क्रॉस कर रही सी, टोल का नाम नहीं पता गाइस, और दिल्ली यहाँ से रह गया है 100 बोड़ा है तो 16 या 20 के आसपास, तो भाई सही खींच के जा रहे हैं गाइस, 11 बजने वाले हैं, सामने से गाड़ी खड़ी है क्या, और दिल्ली लगभग मान लो 120 से 25 किलोमीटर दूर और है, अभी तक चल चुकी है भाई 840 किलोमीटर गाइस, बहुत होता भाई 1000 किलोमीटर के आसपास राइड होगी, लो 1000 किलोमीटर भाई हिट कर दिया हमने ताबड़तोड़। अब पेट्रोल अभी बचा पड़ा है सिर्फ 2 इंडिकेटर है, एक बार फिर से लग रहा फुल टैंक कराना पड़ेगा, या जो भी फिल होता है चाहिए मेरे को, तभी जाके चल पाएगी भाई दिल्ली तक। दूसरा टोल आ गया और दिल्ली गाइस यहाँ से रह गया एग्जैक्ट 99, ये वालों 100 किलोमीटर रह चुका और गाड़ी आ गई जस्ट अभी अभी रिजर्व में, रिजर्व में गाड़ी चल चुकी है भाई 1.2 लीटर, तो ये मान लो 60 किलोमीटर गाइस गाड़ी और चलेगी, अपने को करवाना पड़ेगा फ्यूल अप, करवाते गाइस कहीं पे पेट्रोल पंप लगाना, फुल टैंक करवा लूँगा। और गाड़ी चल चुकी है भाई 850 किलोमीटर, मिला कोई फर्स्ट फ्यूल अपना वहाँ से करवा लूँगा, वरना रिजर्व में गाइस हाई स्पीड में खींचना मेरे को नहीं लगता ठीक रहेगा, नहीं रहेगा टेंशन नहीं है। वन सेकेंड गाइस, फुल टैंक, गाड़ी चल चुकी है 876 किलोमीटर, बाप रे बाप मज़ा आ गया, तो फुल खींच रहे हैं फुल पेट्रोल डला रहे हैं, यही काम हो रहा है, भगा रहे खाली करो फुल टैंक फुल टैंक फुल टैंक खींच हम खींच। हाँ
खाली रहती टंकियाँ, फुल टैंक हो रहा है। हाँ मोहित भाई ने सही बोला, सब्सक्राइबर्स लोग बोलते आपकी टंकी खाली रहती। लो तुम लोग जितना महीने के 6 महीने फुल टैंक कराते होगे, 2 दिन के अंदर 5 बार फुल टैंक करा दिया, जोड़ लो 6×5 30 30 लीटर के आसपास का इस पेट्रोल फूंक दिया हमने। हाँ चलो टाइम हो चुका है 11:33। देखो एक दो घंटा और लगेगा। हाँ धुआं धुआं हो रखा, हल्का हल्का फॉग भी है। अच्छा लेंस पे नहीं, लग रहा। अच्छा साफ कर लो चश्मा। पॉल्यूशन भी है, फॉग भी है और हल्का हल्का वो धुआं भी है, सब मिक्स है। भाई रात के मेरे भाई 12 बजे क्रॉस कर रहे भाई मुरथल, तेरा आपका झिलमिल ढाबा, आगे और भी पढ़ेंगे आएगा इस और भी अपने अमृत सुखदेव सब कुछ है। 12 बजे गाइस, 12 बजे राम मन्नत, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। क्रेजी गाइस क्रेजी, 12 बजे भाई क्रॉस कर रहे हैं मुरथल। गाइस 12:30 से पहले भाई हम एंटर कर चुके गाइस दिल्ली में, ये रहा भाई कूड़े का पहाड़ और गाड़ी चल चुकी गाइस 939 940 किलोमीटर। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है गाइस अपने लिए और बेताल के लिए कि भाई नॉन स्टॉप गाइस इतना चलाया। लग रहा जुकाम हो गया भाई साहब, वो भी गाइस हाई स्पीड में भाई 90-85 12:30 से पहले एंटर कर चुके। अब यहाँ से जाएंगे भाई अपने अपने घर। मोहित भाई तो चलो चलेंगे अपने साथ, एक बार फिर से बोलूँगा भाई ये मशीन गाइस बिल्कुल दमदार है भाई, इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा कैपेबल, मुझे इतना नहीं पता था कि भाई इतनी हाई स्पीड में भाई ऐसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, ताबड़ तोड़ था मतलब ताबड़ तोड़ भाई। वीडियो आपको भाई कैसा लगा गाइज, ऐसे भाई बैक टू बैक भाई अपनी लॉन्ग राइड होती रहेगी, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो इसी बात में गाइज अभी तक भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ भाई आपको नॉन स्टॉप वाली राइड गाइज कैसी लगी, जो कि भाई बिल्कुल क्रेजी था मेरे हिसाब से। तो और भी भाई जल्दी जल्दी भाई बैक टू बैक लॉन्ग राइड लगेगी, या तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है वरना दिसंबर में, तो गाइस पक्का फिर से भाई पहाड़ों की राइड लगाएंगे बढ़िया सी। तो बस आधे घंटे में गाइस मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, इस सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं, नया सफ़र का जल्दी स्टार्ट होगा। वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करके सबको जाना भाई कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये पूरा जर्नी हिमाचल वाला और भाई बेताल के बारे में कुछ कहना। मिलता है इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।